साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू पटेल तेल से। हम खमास थाट के फिल्म गीत और भजनों का रियाज कर रहे हैं। खमास थाट में कोमल नी स्वर लगता है, एक स्वर कोमल कर देने से खमास थाट हो जाता है। आप बिलावल थाट को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं और शुद्ध स्वरों को गले से लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सारे गामा पाधानी, ये नी शुद्ध है, नी सा नी दा पा मा गा रे सा, ये बिलावल थाट है, इसमें सारे स्वर शुद्ध हैं। इसमें एक स्वर अगर कोमल कर दिया जाए, यानी नी को कोमल कर दिया जाए, तो ये खमास थाट हो जाता है। सारे गामा पाधानी, ये नी कोमल है, नी सा नी, ये नी कोमल है, सानी धापा मागारे सा। तो हम खमास थाट को समझने वाले हैं। कोई एक फिल्म गीत को लेते हैं और खमास थाट को समझते हैं। मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि आप एक सप्तक में ही किसी पलटे अलंकार को ना बजाएं। आप आधा सप्तक मंद्र सप्तक का लें और आधा सप्तक तार सप्तक का लें। इससे आपको तीनों सप्तकों की समझ बनेगी, क्योंकि कोई भी फिल्म गीत या भजन एक ही सप्तक में साधारणतः नहीं बसता है। वो या तो थोड़ा बहुत मंद्र सप्तक में भी जाता है, तार सप्तक में भी जाता है। अभी हम जो गीत ले रहे हैं, ये मंद्र सप्तक में एक स्वर लेगा और तार सप्तक में ये रे तक जाएगा, यानी दो स्वर हम मान सकते हैं, तार सप्तक का सा और तार सप्तक का रे। किसी भी गीत को जब आप हारमोनियम पर निकालने वाले हैं, उसके पहले उस गीत को कई बार आपको सुनना होगा। इससे गीत का उतार चढ़ाव आपको समझ में आएगा। आपको पता चल गया है कि खमास थाट में कोमल नी स्वर लगता है, आपको स्वर सारे पता चल गए हैं। उसके बाद आपको समझना होगा कि गीत का उठान कहां से है, ये गीत किस स्वर से उठकर जा रहा है। ये कहां ऊपर को चढ़ रहा है, लेकिन कहां से जा रहा है। गा पा सा, ये कहां आ गए हम, नीचे उतर के आ रहा है। ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। तो इस गीत को हम हारमोनियम पर समझेंगे, किस तरीके से ये गीत ऊपर की ओर चढ़ रहा है, कौन कौन से स्वर इसमें लग रहे हैं। तो खमास थाट के अनगिनत गीतों को हम देखेंगे, इससे आपको खमास थाट की समझ भी बढ़ेगी। आपको याद हो जाएगा कि खमास थाट में केवल एक स्वर कोमल नी लगता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने पहले काले को अपना सा बनाया है, ये मेरा मध्य सप्तक है, यहां मेरा सा है। सा रे गा मा पा धा, ये कोमल नी है सा, ये तार सप्तक का सा है। एक सप्तक कंप्लीट हो गया है, ये मध्य सप्तक है। रे, ये तार सप्तक का रे है, यही रे मध्य सप्तक का है। रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी, ये मंद्र सप्तक का नी है और ये मध्य सप्तक का नी है, नी सा। अब हमारा गीत है ये, लेकिन यहां से गीत नहीं उठ रहा है, ये गीत गा से उठ के जा रहा है। सा गा पा, आपने पूछा था कि कोडों का क्या महत्व है, ये देखिए यहां पर एक कोड लग गया है, गा पा सा, और ये गीत इसी कोड से आगे बढ़ रहा है। गा पा सा, ये कोड, ये कहां सा पर जाकर रुक गए हैं। गा ये कहां आ, ये कहां हा आ हा भी, और ये कहां हा आ भी यहीं पर आ रहा हा आ, ये कहां आ आ गए हम, आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में ओ जानू मेरे जिस्म जानू।
ये हमारा घर था, हमारा साथा, हम यहां बार बार लौट कर आएंगे। इस गीत को हम सीताराम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आपको गाने में कोई असुविधा नहीं होगी, घर में गाने में आपको अच्छा लगेगा। सीताराम 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 सीताराम। एक बार पुनः देख लें, गा से शुरुआत हो रही है, ये कहां आ गए हम, दो बार सा पर आपको दबाना है, परिवार आ आ, ये कहां हां और आ हां आ, दो बार सा है, आ गए हम, धा पर जाकर रुक जाएंगे, यूं ही पामा यूं ही साथ साथ चलते, सीताराम 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 सीताराम। अब इसका अंतरा, सीताराम 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 सीताराम, स्वर कितनी ऊंचाई मांग रहा है, कितनी आवाज मांग रहा है, उतनी आवाज उस स्वर पर आपको देना होगा। सीताराम सी, आवाज ऊपर की ओर चढ़ रही, सीताराम 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 सीताराम। पुनः देखिए, सीताराम 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 सीताराम, फिर रे से आएगा, सीताराम 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 सीताराम। खमास थाट की प्रैक्टिस के लिए आपको इन फिल्म गीतों के आपको बजाना है, क्योंकि थाट बजाते बजाते, पलटे बजाते बजाते, अलंकार बजाते बजाते आप बीच बीच में बोर होने लगते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि ये स्वर खमास थाट के हैं और इनमें इन फिल्म गीतों को निकाला जा सकता है, तो हो सकता है आपको अन्य गीत भी याद आना, आप इनमें कुछ अलापचारी भी कर सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आप खमास थाट की अच्छे से प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छा हारमोनियम बजा पाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।